रायपुर पुलिस ने शहर के दो स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक थर्ड एजेंडर इसे ऑपरेट कर रही थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इसके मोबाइल से कई सेक्स वर्कर्स की तस्वीर और जानकारी मिली है। ग्राहकों की मिली जानकारी पर कुछ युवकों को भी पकड़ा गया। शनिवार रात इन्हें गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ दिनों से पुलिस को ब्लू मून स्पा सेंटर और द माइंड वेलनेस स्पा सेंटर के बारे में इनपुट मिल रही थी। स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। महिला पुलिस की स्पेशल यूनिट सिविल लाइन थाने की टीम और एंटी क्राइम साइबर यूनिट महिला रक्षा टीम ने मिलकर इस छापेमारी को अंजाम दिया। सबसे पहले टीम शंकरनगर स्थित द माइंड वेलनेस स्पा सेंटर पहुंची, जहां मैनेजर आसियाना यादव मिली। थर्ड जेंडर आसियाना यहां सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस ने दो मोबाइल फोन जब्त किए, जिनमें सेक्स रैकेट से जुड़े सबूत पाए गए हैं। स्पा सेंटर का संचालन पिंटू जायसवाल कर रहा था, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने आसियाना को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ कुछ लड़कियां भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस अपने साथ ले गई है। दूसरी छापेमारी कार्रवाई ब्लू मून नाम के स्पा सेंटर में की गई। जिस मकान में स्पा चल रहा था, उसके मकान मालिक की भी इसमें भूमिका बताई जा रही है। मकान मालिक अशोक बारात और मैनेजर आकाश साहू, सहायक मैनेजर विवेक साहू को पकड़ा गया। इसके पास से तीन मोबाइल मिले। ब्लू मून स्पा सेंटर का संचालक फरार बताया जा रहा है। दोनों स्पा सेंटर में अवैध गति में शामिल 13 लड़कियां पुलिस को मिली है, इनसे पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से मिले मोबाइल जब चेक किए गए, तो उन्हें देह व्यापार संचालित करने के सबूत मिले। यह लड़कियों की तस्वीर लोगों को भेजकर इस धंधे में डील किया करते थे। मोबाइल फोन में कई ऐसे ग्रुप भी मिले हैं, जिसमें पूरे भारत में देह व्यापार संबंधित आरोपियों के चैट पाए गए। इनमें से कुछ बंगाल की लड़कियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार आकाश साहू, विवेक साहू, अशोक बारात और आसियाना यादव, राकेश महानंद के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहां जिन लोगों को पकड़ाए हैं, उनकी चेहरा स्पष्ट किया गया है, खासतौर पर लड़कों का, किंतु जो लड़कियां पकड़ाई हैं, उनके चेहरे पर कपड़े ढक दिए गए थे। यानी यहां लड़के और लड़कियों में कानून की ओर से भेदभाव है।